guys, welcome back to Mama's YouTube channel. It is Ramzan, दूसरा रमजान है आज. दूसरा रोज़ा. रमजान एक ही होता है. हाँ, दूसरा रोज़ा है आज. माय बैड. और मम्मा को पता नहीं क्या है कि वह हमें रोज़ इफ्तारी से बिल्कुल पहले लास्ट आवर पे वॉक करके समोसे लेके जाती हैं. यस, समोसे तो मैंने बनाए हैं वैसे, इन लोगों को अच्छे भी बहुत लगे, लेकिन ये ऐसे ही ज़रा रोल लेने के बहाने वॉक हो जाती है और वो रौनक देख लेते हैं, वो स्मेल जो फ्राई होने की आ रही होती है. मैंने और मम्मा ने तरावी भी स्टार्ट की है. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. कल हमारी पहली तरावी थी, आज भी जाएंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. शायद आप लोगों ने पहले ज़िंदगी में फूल नहीं देखे. नहीं देखे तो आप देख लें मेरा फूल. आ गई हैं तंग नहीं आई हो? मम्मा पत्ते किसने नहीं देखे यार? पत्ते नहीं, ये वो है बेटा अंजीर, ये देख. दूसरी इफ्तार आज हो गई है जी, 28 रोजे रह गए. आपने क्या बनाया मैडम? चिकन चिली राय. आके देखें कैसी बनी है. ओके चलिए. ओए होए, खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है, लग रहा है हम किसी चाइनीज रेस्टोरेंट. नबीहा, यू मेड दिस? नहीं मम्मा, बहुत मजे का लग रहा है. किसके साथ खाएंगे? चावल मैंने उबाले, लेकिन अभी मैं इन चावलों पे तड़का लगाऊंगी सोया सॉस, चिकन पाउडर, गार्लिक, चिकन पाउडर और गार्लिक. कैसे? उसको उसी में फ्राई करके चॉप करके बेला दो. इसी में लगा दो ना. मिस्टर सिद्दीकी, मज़ा आ रहा है ना बाहर आके बिस्तर से निकल के, है ना? लंबे लंबे सांस लें गहरे गहरे. याया को गार्डन में बिठा के मैं जल्दी से जा रही हूँ रोल लेने. रोल लेके फिर आई विल गो बैक. एंड कम अज़ कम ये है कि थोड़ी उनकी इनकरेजमेंट हो जाती है. बाहर निकलते हैं बिस्तर से, हवा, रोशनी, परिंदों की चहचहाट, ये सारी चीज़ें माइंड को बहुत फ्रेश कर देती हैं. तो बस मैं जल्दी से लेके आती हूँ. इम्तियाज़ भाई आ रहे हैं तो उनके साथ बैठ के इफ्तार करेंगे. क्या कह रही हैं, समोसे नहीं बंद करें? इफ्तारी में समोसे डैडी कहने नहीं आएंगे. अब मैं कह रहा हूँ पकौड़े नहीं समोसे. पकौड़े, चिकन पकौड़े देखे कुछ तो है ना, मिलेगा ना आपको समोसा एक प्राइस का, चने चाट, दही बड़े, फ्रूट चाट, बस ना. मैं ना चने चाट खाती हूँ ना दही बड़े, फ्रूट चाट खाती हूँ. तो और क्या चाहिए आपको? समोसे. आपके लिए समोसे आ जाए बस. हैप्पी? सैरी पे डिस्कशन हो रही है जी कि सैरी आज किसी ने नहीं करनी, क्योंकि ईमान ने आज एयर फ्राई करके चिकन पकोड़े खा लिए. मैंने और नबीहा ने आज, मेरी भाभी लाई थी चिकन शाशलिक बना के, वो खाया हमने. और बस बैठ के बातें करते रहे मैं और नबीहा. ईमान आके मेरे पास लेटी थोड़ी देर, और उसके बाद उसने पढ़ना था तो वो चली गई. फिर मेरी नींद भी गायब हो गई तो मैं किचन में आई. फिर मैं और नबीहा बैठे रहे. फिर मैंने याया को उठाया कि उठें आएं देखें शान रमज़ान. तो हम लोग लाउंज में बैठ के अभी शान रमज़ान देख रहे थे. तो अभी बस पानी वानी पियेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और सो जाएंगे.
भूख तो बिल्कुल नहीं है। वैसे यूजुअली सहरी में मैंने जो शामी कबाब बनाए थे वो फ्राई करती हूँ बहुत हल्के तेल में, और साथ में अंडा फ्राई करती हूँ और दो टोस्ट, तो वो खाते हैं दूध के साथ, दूध हल्दी के साथ। हेल्दी और सुपर्ब सहरी की रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। तो बस यही इफ्तार में फिर तैयारियाँ होती हैं, चना चाट बनती है, फ्रूट चाट बनती है, फिर वॉक करके जाते हैं हम लोग यहाँ घर के पास ही, वो समोसे और रोल जलेबी लेके आते हैं बिकॉज़ याया को कुछ मीठा चाहिए होता है उसके बाद। तो बस बहुत ज़बरदस्त रमज़ान गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। छठा हो जाए, अब छठा रख रहे हैं हम। ऐसे ही मैंने कहा था ना, रमज़ान तो भागता है ये महीना। जी जनाब, मेरी रवानगी है लाहौर, और क्यों रवानगी है मैं आपको जाके बताऊंगी। और घर पे रोज़ों के साथ इतना सेट हो गया था सिस्टम, इतना मज़ा आता था, याया को शाम पे वॉक पे लेके जाती थी, हम लोग मज़े से इफ्तार करते थे, भाई भी मेरे आ जाते हैं तो पूरी फैमिली एक भरा भरा सा लगता है। तो अब दो दिन खैर इनके बग़ैर इफ्तार होगी मेरी, बट इट्स जस्ट टू डेज़। और चलें अभी मेरी रवानगी एयरपोर्ट चलते हैं, फिर वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ कि किस लिए मैं आई हूँ लाहौर। मेरी प्यारी सी ड्राइवर है, इतनी अच्छी गाड़ी चला रही है आज, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। अभी हुए दो स्ट्रीट से हर जगह में चलाती हूँ। Yaya Khan, how are you? इलाकों में खास तौर पे होता है। पहुंच गई हूँ मैं होटल। लाहौर इज नाइस, बड़ी इसकी कल्चरल ट्रेडिशनल सी एक फील है, चाहे कितना ही मॉडर्न हो जाए इसमें हमेशा महक वही रहेगी, एक नॉस्टैल्जिया सा रहेगा लाहौर में। तो ऑलवेज गुड टू बी इन लाहौर, अच्छा लगता है, स्पेशली ट्रिप्स इतने शॉर्ट से होते हैं तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है, कोई बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता। तो बस ये मेरा अभी एक बहुत मुख्तसर सा ट्रिप है, दो दिन का ट्रिप है मेरा। सो आई एम हेयर फॉर द शो गपशप, वासे चौधरी और जो टीम है उनकी पूरी, उस शो के लिए मैं आई हूँ। और ये मेरी तीसरी अपेयरेंस है इस शो में, पहले जब ये मुज़ाकरात था तब दो दफ़ा मैं उसमें आ चुकी हूँ और ये थर्ड टाइम इसमें आ रही हूँ। तो बेसिकली आई लव द टीम, आई लव द कॉन्सेप्ट, और बिल्कुल बोरिंग नहीं होता शो, बड़े अच्छे सवाल होते हैं, बड़े अच्छे सेगमेंट होते हैं उनके, तो कंफर्टेबल मज़ेदार सा शो है। एक दफ़ा नुमान के होते हुए मैं आई थी, एक दफ़ा वासे जब आ चुका था तब, और अब तीसरी दफ़ा फिर वासे के साथ। तो कल मेरा पिकअप है दोपहर में, मैं अभी बस यहाँ से तैयारी व्यारी करके अपना सामान खोलूँगी, फ़ोन चार्ज पे लगाऊँगी, थोड़ा चेंज करूँगी, टीवी देखूँगी और फिर सो जाऊँगी, सैरी करूँगी जाके, और फिर सुबह उठ के तैयार होके एंड देन आई गो टू द स्टूडियोज़। फिर मैं फ्री हूँ, कल का दिन मैं ज़रा मार्केट घूमूंगी, थोड़ा सा देखती हूँ यहाँ पे बच्चों के लिए ईद के कपड़े, हो सकता है यहाँ बेहतर चॉइस मिल जाए। सो लेट्स सी ली क्या होता है कल। तो चले, लेट मी जस्ट सेटल डाउन राइट नाउ। मैं सोऊंगी, सुबह जल्दी उठना है, तो सहरी की तो मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं अभी चाय और केक रस खा के नमाज शमाज पढ़ के सो जाऊँगी और फिर सहरी पे उठूँगी, पानी पीऊँगी और नमाज़ पढ़ के फिर सो जाऊँगी और फिर उठ के तैयार होके निकल जाऊँगी। तो ये है जी मेरी सहरी प्रैक्टिकली।
सो मैंने वहाँ से केक रस ले लिए थे एयरपोर्ट से, और ये चाय में जी जनाब, मेरा शो बहुत अच्छा गया, इट वाज नाइस। वासे के साथ और जो जितने गेस्ट थे, बाकी जो होस्ट थे, उनके साथ बहुत अच्छा रहा। और डायरेक्टर इस शो के अयूब खावर साहब हैं, जिनके मैंने बहुत पहले प्लेस किए हैं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के कलाम जो थे वो बहुत सारे इन्होंने लिखे होते थे, तो इनके साथ मैंने काफ़ी सारे प्लेस किए हैं। फिर ये मेरा तीसरा एक्सपीरियंस था इस शो में जाने का। पहले इसका नाम मुज़ाकरात था, अब इसका नाम गप शप है। इट वाज़ नाइस, पता ही नहीं चला एक डेढ़ घंटा गुजर गया। तो उसके बाद मैं वापस होटल आई, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, और अब शो देख रही हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ, वही 17th फ्लोर पे इफ्तार है, 18th पे सहरी थी, 17th पे इफ्तार है, तो मैं अभी इफ्तार के लिए जा रही हूँ ऊपर। और नींद मुझे बहुत आ रही थी, बिकॉज मैं सो भी नहीं सकी सही से। तो बहरहाल अब आई एम गोइंग अपस्टेयर्स फॉर इफ्तार। दिखाती हूँ आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं इफ्तार के, वहाँ बैठ के कुछ तस्बीह पढ़ती हूँ थोड़ी, हो सकता है वो भी ओपन एयर हो, तो लेट्स सी, दिखाती हूँ आपको। चल चलते स्टार्टर्स में, सैलड्स, समोसे, पकौड़े, फिश, चिकन,